आ रही है गुल्ली राउडी। इस बार संदीप कृष्ण सर गुल्ली राउडी बन के मैदान के ऊपर करने वाले हैं राउडी गिरी। जी हाँ मेरे मित्रों, आपसे ही सुना मूवी का नाम है गुल्ली राउडी। पूरी की पूरी फिल्म एक्शन और रोमांस से भरा पड़ा है। आप ये गुल्ली राउडी फिल्म को देखने वाले हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों आप सभी के सामने एक एक करके पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा यह फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, यह गुल्ली राउडी फिल्म हिंदी में YouTube पर आएगी कि नहीं, यदि आएगी तो कब आएगी। तो दोस्तों गुल्ली राउडी फिल्म एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसको की डायरेक्ट की है एन नागेश्वर रेड्डी ने, जिसमें आपको नजर आएंगे संदीप कृष्णम, बॉबी सिम्हा, नेहा हरिराज, भेंडिला किशोर, राजेंद्र प्रसाद और प्रसानी कृष्ण मुरली आदि कलाकार। तो दोस्तों ट्रेलर को देखने के बाद लगता है पूरा का पूरा फिल्म होने वाला है एक रोमांटिक एक्शन पैकेज वाला फिल्म। आप ये गुल्ली राउडी फिल्म को देखने के लिए मन कर रहा होगा, इसलिए दोस्तों मैं आप सभी के सामने खुलासा करने जा रहा हूँ ये फिल्म कब आएगी। तो दोस्तों गुल्ली राउडी फिल्म पहले 21 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों उस समय में कोरोना के वजह से गुल्ली राउडी फिल्म का शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए दोस्तों गुल्ली राउडी फिल्म का रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों हो चुका है रिलीज डेट पूरी तरह से अनाउंस। जी हाँ दोस्तों, आपसे ही सुना गुल्ली राउडी फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 17 सितंबर 2021 को हमारे नजदीक के सिनेमाघरों में, वो भी फिर दोस्तों तेलुगु भाषा में। और दोस्तों जहां तक बात की जाए गुल्ली राउडी फिल्म हिंदी डब होकर के कब आएगी, तो यार दोस्तों मैं आप सभी को बता दे गुल्ली राउडी फिल्म आने वाले कुछ महीनों के अंदर हिंदी डब होकर के भी टीवी और यूट्यूब पर आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, उनको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल का ही करना पड़ेगा, तब जा करके आप गुल्ली राउडी फिल्म को हिंदी में देख पाओगे। तो दोस्तों आप ये फिल्म को हिंदी में या फिर तेलुगु भाषा में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी यस और नो लिख के बताना, बिल्कुल भी ना भूले।